मैं जानता हूँ आप क्या कर रही हैं। एक्सक्यूज मी? जी, मैं जानता हूँ आपके दिमाग में क्या चल रहा है और मुझे इस थाने से आउट करने की क्या प्लानिंग कर रही हैं आप। अच्छा, अगर आप इतना जानते हैं तो ये भी बता दीजिए कि क्या प्लान बनाया है हमने। वही सेम प्लानिंग जो मैंने की थी आपको इस थाने से आउट करने के लिए। आपको शादी के भंवर में फंसा कर आपको इतना बिजी कर देना कि आपका ध्यान ही चला जाए कॉम्पिटिशन से और ये थाना जीतना मेरे लिए ईजी हो जाए। उस प्राची से मेरी शादी करवा के मेरा ध्यान पूरा डाइवर्ट करना चाहती हैं, यही कोशिश कर रही हैं ना आप? Let me tell you one thing, Miss Malik. मैंने ऐसा कुछ भी सोचा जरूर था, लेकिन मेरे माइंड में हमेशा से एक बात थी कि आप लड़की हैं और मेरी किसी भी प्लानिंग की वजह से आपकी लाइफ स्पॉइल नहीं होनी चाहिए। कोई भी ऐसा लड़का जो आपको डिजर्व ही नहीं करता वो आपकी लाइफ में नहीं आना चाहिए, और मैंने वैसा ही किया। और आप क्या कर रही हैं? उस लालची सेल्फिश लड़की प्राची के साथ मेरा रिश्ता जोड़कर आप अपने मिशन को जीतने की प्लानिंग कर रही हैं। ये गलत है मिस मलिक। क्या है ना मिस्टर अमर विद्रोही, वैसे तो हम इस तरह की सियासी दांव पेचों में उलझना पसंद नहीं करते, लेकिन इस बार हमने सोचा कि क्यों ना जिस जबान में सवाल पूछा गया है उसी जबान में जवाब भी दिया जाए। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, एंड दिस इज वॉर। पर्सनली मत लीजिए। फाइन मिस मलिक। मैडम सर, हमारे पास सूरज के खिलाफ एक प्रमाण है। हसीना, क्या हुआ? कुछ गिरा क्या? अरे नहीं नहीं अम्मी, कुछ नहीं हुआ, वो हम ही थे। आप जाइए, आप आराम कीजिए। ठीक है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है, हम है ना। जाइए, सो जाइए। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जॉगिंग। इतनी रात में? तो रात को जॉगिंग करने में पाबंदी है क्या कोई? अभी हमारे घर में आप ही घुसे थे क्या? जवाब दीजिए। हेलो मैडम, लिसन, आपको नहीं लगता आप कुछ ज्यादा ही बेतकल्लुफ हो रही हैं? और सोच समझ के बात कीजिए, आप एक एसएचओ से बात करें, किसी चोर चक्के से नहीं। और मुझे क्या जरूरत है इतनी रात को किसी के घर में घुसने की? लिसन, ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं, हम जानते हैं अभी तुम ही घर के अंदर घुसे थे, अब झूठ पकड़ा गया तो कहानियां बना रहे हो। अजीब जबरदस्ती है, पता नहीं नींद में क्या अनाप शनाप इमेजिन करके गन लेके निकल पड़ी सामने, मैं आ गया तो मुझ पे इल्जाम लगा रही हैं आप। एक काम कीजिए, आप ना किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट को दिखाइए, आपके दिमाग की ना पूरी मशीनरी हिल चुकी है, सर्विसिंग की जरूरत है। सुनो, ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो, हम नहीं जानते तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन आज के बाद अगर ऐसी घटिया हरकत करने की कोशिश की ना तो देखेंगे नहीं, सीधा गोली मार देंगे। व्हाट? गोली मार देंगे? सठिया गई लगता है। देखिए मैडम, ये गलत है, आप बिना किसी क्रिमिनल चार्जेस के ऐसे क्रिमिनल की तरह उठाकर मुझे यहाँ नहीं ला सकते। उठा के नहीं लाए, घसीट के लाए। एक वीडियो शूट करके मैं सोशल मीडिया पे डाल दूंगा ना इस थाने के अगेंस्ट, पूरा थाना बदनाम हो जाएगा, बता रहा हूँ मैं आपको।
तुम्हारी मैया करिश्मा सिंह। अच्छा तो तुम क्रिमिनल नहीं हो तुम्हें ऐसा लगता है, तो फिर एक लड़की को परेशान करना, उसे धमकियां देना, उससे नाजायज पैसों की मांग करना, उसे ब्लैकमेल करना, ये सब क्राइम नहीं है तो क्या है? अरे मैंने किसे किया ब्लैकमेल? अरे भाई आप यहाँ कैसे? चुप! देखिए देखिए मैडम, मेरे और प्राची के बीच में जो भी हुआ है वो म्यूचुअल एग्रीमेंट के बेसिस पे ही हुआ है ना, तो इसमें गलत क्या है? बस एग्रीमेंट के हिसाब से वो मुझे अपना इन्वेस्टमेंट लौटा दे, फिर उसके जो मन में आए वो करे, बात खत्म। दिखाइए मैडम को एग्रीमेंट, दिखाइए। अरे एग्रीमेंट साथ में लेकर घूमते हो क्या? ध्यान से देखिए क्या मैडम, सारे क्लॉजेस साफ साफ शब्दों में लिखे हुए हैं, विदाउट एनी कंडीशन अप्लाइड। रिलेशनशिप के इनिशियल स्टेज में ही प्राची ने सोच समझ कर अपनी मर्जी से ये एग्रीमेंट साइन किए अपने होशो आवाज में। अभी भी आपको लगता है कि मैं गलत हूँ? देखिए मैडम, दो एडल्ट्स जो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, उनकी म्यूचुअल एग्रीमेंट आपको इलीगल कैसे लग सकती है? एडल्ट्स, पढ़े लिखे, मैच्योर, मैच्योर लोग इस तरह के काम करते हैं, इस तरह के एग्रीमेंट्स बनवाते हैं एक रिलेशनशिप के लिए, और हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसने साइन किया है, हमें ये जानना है कि किस हालात में प्राची से तुमने साइन करवाया है। मैडम मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने कोई जोर जबरदस्ती नहीं की है प्राची के साथ। अच्छा एक सेकेंड, हाँ ये सुनिए, इस डॉक्यूमेंट पे अपनी गर्लफ्रेंड का सिग्नेचर्स कुछ भी करके फैला के फुसला के कैसे भी लेकर। मैंने भी अपनी एक्स के साथ ऐसा ही किया था। ये आवाज वो कल, अच्छा अब समझ में आया, तुम सबने मिलकर ये प्लानिंग की थी मुझे फंसाने के लिए, और वो भी किसके लिए? उस चीटर लड़की के लिए। ठीक है मैं कह दूंगा कि वो मेरी आवाज है ही नहीं, मैं वहां पर था ही नहीं, फिर क्या करेंगे मैडम? संतु कर सकते हैं, हम तुमको बताएंगे, तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगा समझे तुम, हम तुम्हारा खाल उधेड़ देंगे ठीक है, और वो कोर्ट में जाके बोलेंगे कि तुमको स्किन का बीमारी हो रहा है, तुम्हारा खाल अपने आप उधड़ के गिर रहा है, कहा समझे? अब सुनो तुम हमारा बात, ये जो तुमने बकवास अग्रीमेंट लिखा है इसको तुम करोगे रद्द, और तुम हमको पेपर में लिख के दोगे कि तुम कुछ भी ऐसा बकवास अग्रीमेंट तुमने गलती से लिखवाया उस लड़की से, और तुम्हारा उस लड़की से भविष्य में कोई लेना देना नहीं है समझे? नहीं तो हमारा दिमाग फिर गया ना भैया, तो वो हालत करेंगे तुम्हारा कि जब भी मुंह खोलोगे एक ही बात बोलोगे, तो रोका जी देखे तो बहुत, मगर तुम साना देखा समझे? दीवान जी ये कौन से मिल की बात चल रही है? पता नहीं सर क्या चल रहा है, सर मुझे तो लगता है कि इस लड़की ने इस लड़के से भी पैसे लिए होंगे, और अब जब लड़का पैसे वापस मांग रहा है तो ये महिला पुलिस टीम वाले उसे धमका रहे हैं। दीवान जी जहां तक हम हसीना मलिक को जानते हैं वो किसी गलत का साथ तो देंगी नहीं, फिर वो उस लड़की का साथ क्यों दे रही है? सॉरी सर बट आजकल आपके मुंह से हसीना मलिक मैडम जी के लिए हमेशा तारीफ ही निकल रही है, जब भी करते हैं तारीफ ही करते हैं। सर सावधान रहिए हमारी दुश्मन है वो, और भूलिएगा मत सर ये भी उनका प्लान ही है। सर ये लोग उस लड़की का साथ इसलिए दे रहे हैं ताकि आपका टाका फिट कर सके, सेटिंग करा सके। जवान जी कैसी भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं? मेरा मतलब है सर आपकी शादी करा सके, ये पूरा प्लान है सर, समझिए जाल है ये भी। रुक जाइए माफ कर दीजिए, गलती हो गई हम मानते हैं कि हमसे गलती हो गई। देखिए अब जो बोलेंगे हम बोलने तैयार है, अब जो लिख रहे बोलेंगे हम लिख करते हैं। देखिए हाथ छोड़ दीजिए, बहुत बहुत दर्द हो रहा है। करिश्मा सिंह छोड़िए इसे, आई सेड लीव हिम, इट्स एन ऑर्डर। और तुम्हें ना ही किसी को कुछ लिख कर देने की जरूरत है और ना ही कोई सफाई देने की जरूरत है। थैंक यू सर। तुमने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया है, कोई केस नहीं बनता तुम पे। एक मिनट मिस्टर अमर विद्रोही, ये हमारा केस है, आपको दखल अंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। मिस मलिक, अमर विद्रोही वहीं दखल देता है जहां उसकी जरूरत होती है, और यहां मेरी जरूरत है। आपकी जरूरत नहीं है, ये लड़का चीटर है। चीटर ये नहीं वो लड़की है, प्राची है। ऐसा कौन कहता है? मैं कहता हूँ। आपके कहने से क्या होता है? तो आपके कहने से क्या होता है? हमारे पास इस लड़के के खिलाफ सबूत है कि ये लड़का कितना चालाक और बेईमान है। बेईमान ये लड़का नहीं वो लड़की है, और हम उस लड़की को अच्छी तरह से जानते हैं। ए तुम इधर आओ, लाइव स्ट्रीम चालू करो, आज पूरे लखनऊ शहर को हम संबोधित करेंगे।
देखिए शहरवासियों, इसलिए मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि आंखें बंद करके किसी भी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ये जरूरी नहीं कि महिलाएं हमेशा सही हों, और ये भी जरूरी नहीं कि हमेशा वही विक्टिम हो। हम मर्दों पर भी अत्याचार होते हैं, हम मर्द भी विक्टिम होते हैं, और उसका एग्जाम्पल आपके सामने है। ये लड़का सूरज, इसकी गलती सिर्फ इतनी सी थी कि एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में जाना चाहता था, उसे डेट पर लेकर गया था, और उस लड़की ने बदले में क्या किया, इससे पैसे मांगने लगी, इसके सामने एक लाखों का बिल इसके हाथों में थमा दिया। ये तो अच्छी बात है कि मैं उस लड़की को पहले से जानता था, बहुत ही शातिर लड़की, नहीं तो हो सकता था मैं भी उसकी बातों में आ जाता। और ये हमारी SHO मिस मलिक, ये उस लड़की का साथ दे रही है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लड़की है, लेकिन इसमें इनकी गलती नहीं है, ये उस लड़की के बारे में कुछ नहीं जानती है। लेकिन मेरी सहानुभूति इस केस में इस लड़के के साथ है, मैं सच के साथ हूँ, और अगर आप भी सच का साथ देना चाहते हैं तो कल आइए यहाँ थाने में और सच का सपोर्ट कीजिए। जय। What? मतलब सूरज इस ब्रेकअप बिल के पैसे मांग रहा है? जी। और उसने इनके साथ रिलेशनशिप के इनिशियल स्टेज में, जहां सब लोग अपने इमोशंस की एक्सट्रीम सुनामी में बह रहे होते, इनसे एग्रीमेंट पे साइन करवाए, और मैंने कुछ सच्चाई जाने बिना इतने बड़े कंक्लूजन पे आ गया मैं, उसके एक थर्ड क्लास लड़के का साथ दिया मैंने। यस, थर्ड क्लास लड़का ही है वो। कैसे, मतलब कैसे कैसे इतनी बड़ी गलती कर सकता हूँ मैं, इतनी बड़ी भूल कैसे हो सकती किसी को पहचानने में मुझसे, और इतनी जल्दबाजी में क्यों कर दिया मैंने ये सब। प्राची, I'm really sorry, जो भी हुआ ये सब नहीं होना चाहिए था, ये सारी मेरी गलती है, I'm extremely sorry। क्या करूं मैं आपके शौरी का, क्या करूं अफसोस का, वो सूरज पैसे के बजाय आपका अफसोस लेगा क्या? मुझे अफसोस नहीं, मुझे उसको पैसे देने हैं, कहां से लाऊंगी मैं इतने सारे पैसे, कहां से अरेंज करूंगी? अरे सर, आप इतना गिल्टी क्यों फील कर रहे हैं, इसमें आपकी क्या गलती है? यहाँ लोगों ने माहौल ऐसा बनाया ना सर, कि आपकी जगह पर और कोई भी होता तो यही करता, लोगों ने ही तो मजबूर किया ना आपको ऐसा करने के लिए। एक मिनट दीवान जी, या बार बार लोगों ने क्या कर रहे हैं और किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं आप? सॉरी मैडम, आप ही के गिरो ने। दीवान जी रहने दीजिए प्लीज, गलती किसी की नहीं है, मेरी गलती है सारी। मिस मलिक, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, आप मुझे सजा दे सकती हैं। सजा? हम क्या सजा दें? कुछ भी, एक काम कीजिए, स्लैप मी। व्हाट? Yeah. ये आप क्या कह रहे हैं, हम आपको थप्पड़ कैसे, हम आपको थप्पड़ नहीं मार सकते। आप क्या चाहते हैं कि आप बाहर जाकर लोगों से ये कहें कि SHO हसीना मलिक ने हमें थप्पड़ मारा और आप विक्टिम बन जाएं? हम इस प्रपंच में नहीं पड़ेंगे। आप पुष्पा जी से कहिए, उनसे ट्राई करिए, बात कीजिए उनसे। हम पुष्पा जी, आप तो मुझसे उम्र में बड़ी हैं, थोड़ी सी सर जी, इसलिए आप मुझे थप्पड़ मार सकती हैं, प्लीज प्लीज स्लैप मी। नहीं 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 सर, हम कैसे आप पर हाथ उठा सकते हैं? श्रीमान दीवान जी है ना? हाँ, देखिए वो तो आपके गुरु समान है ना, तो गुरु अगर अपने चेले को थप्पड़ मार भी देता है तो बुरा भी नहीं लगेगा और लगेगा भी। क्या? नहीं मतलब थप्पड़ तो लगेगा और कस के लगेगा, मगर दिल को बुरा नहीं लगेगा, वो हम ऐसे आ रहे थे। जी पुष्पा जी, ये भी सही है। दीवान जी, हमें क्यों नहीं बोला थप्पड़ लगाने के लिए, हमें सर इत्मीनान से थप्पड़ लगा दे, एकदम संतुष्टि वाला, पूरी पत्ते से भर आ जाती इनकी। अरे आप ट्रेनिंग में हमारे गुरु हैं, प्लीज हमें थप्पड़ मारिए। अरे सर क्या बात कर रहे हैं, नर्क बेचेंगे क्या सर, हमसे नहीं हो पाएगा ये मत करवाइए। दीवान जी मेरी बात, प्लीज स्टॉप इट। मिस्टर अमर विद्रोही, हम सबको अच्छे से समझ में आ गया है कि आप कितना गिल्टी फील कर रहे हैं, प्लीज ये सब करना बंद कीजिए। अगर आप कुछ करना ही चाहते हैं तो इस केस से दूर रहिए, ठीक है? हम अपने तरीके से इसे हैंडल कर लेंगे, इट्स ओके, होता है, सबसे होता है। हाँ सर जी। जैन,
अरे क्या अम्मी, कब से बेल बजा रहे हैं हम, आपने दरवाजा ही नहीं खोला। वो तो अच्छा हुआ कि हमारे पास चाबी। अरे क्या डरा दिया हमको? क्या है अम्मी, हम कब से बेल? क्या बोल रही है तू? कुछ नहीं, आप सुनिए। अरे नहीं, कुछ बोल रही थी ना, बताना क्या बोल रही थी। कुछ नहीं कह रहे हम, अब गाने सुनिए। नहीं नहीं, हमें पता है कुछ बोल रही थी, बताना। ऐसे क्या, हमने कहा ना हम कुछ नहीं कह रहे थे, आप अपने गाने सुनिए, हम जा रहे हैं अपने रूम में। अरे लेकिन बता तो, शादी नहीं की है ना? बता क्या बोल रही थी तू? घर में कोई आया था? हाँ अभी तू तो आई। हमारे अलावा कोई आया था? अरे वो तो रोज ही आते हैं, किराना वाला, रद्दी वाला, पेपर वाला, दूध वाला, अंडे वाला। घर के अंदर कोई आया था? अंदर क्यों आएगा, ये सब तो दरवाजे तक ही जाते और चले जाते। पक्का घर में कोई नहीं आया? हमारे बेडरूम में कोई नहीं गया? बेडरूम में? अरे बेडरूम में तो आज हम तक नहीं गए हैं, और कोई क्या जाएगा। पक्का? ये शो अब लिख के दे दे, शादी कर ले, सारी गफलत जो है चली जाएगी। आप रहने दीजिए, आप सुनिए अपने गाने सुनिए। पर्दों पर सख्ती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मेकअप का बिल चुकाना पड़ेगा, महिला पुलिस, 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 महिला पुलिस। शांत हो जाइए। जैसा आप लोग चाहते हैं यहाँ वैसा ही होगा। प्राची ब्रेकअप बिल में लिखे हुए जितने भी पैसे हैं वो सारे पैसे सूरज को लौटाएगी आज यहाँ सबके सामने। अग्रीमेंट में साफ साफ लिखा है कि अगर प्राची ब्रेकअप करती है तो रिलेशनशिप के दौरान जितने भी पैसे सूरज ने इन्वेस्ट किए हैं वो उसे लौटाने होंगे, जो हमें लगता है कि बिल्कुल सही है, जायज है, अग्रीमेंट में है तो करना ही पड़ेगा। तो 5,83,210 रुपए प्राची आज सबके सामने यहाँ सूरज को लौटाएंगे, ठीक है? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। अरे मुझे नहीं करवाना कोई इलाज, छोड़ो मुझे। एनेस्थेसिया प्लीज, वेरी इज आवर इक्विपमेंट्स। मुझे नहीं करवाना कोई इलाज, छोड़ो मुझे। शांत हो जाइए। देखिए यहाँ पर बस तुम्हारा ये दिल निकालने वाले हैं, तुम्हारा हार्ट। 5 मिनट का काम है, दिल निकालेंगे फिर अप्री हो जाएंगे। प्लीज कोऑपरेट। डॉक्टर, दिस इज अवर इक्विपमेंट फॉर हार्ट ऑपरेट। क्या बकवास है ये, आप ऐसा नहीं कर सकते। Oh my God, ये हिल रहा है, I'm not concentrate properly. मेरा एम हिल जाएगा, प्लीज पकड़ी इसको। कुछ नहीं होगा, करने दीजिए। छोड़िए, मुझे नहीं निकलवाना अपना दिल, छोड़िए। यार आदमियों की पजामा। डॉक्टर ये बोल रहे हैं तो ये तो करना ही पड़ेगा ना, लेटे रहिए आप। 2 सेकंड में आपका छाती फाड़ेंगे, तब से इसे अंदर हाथ डालेंगे, पट से दिल बाहर निकालेंगे, कथा समाप्त, फिर उठ के घर चले जाइएगा। पुलिस। हाँ हाँ, पुलिस की मौजूदगी में ही हो रहा है, सब देख रहे हैं आपको, बस आपका दिल निकालेंगे और कुछ नहीं, सब कानूनन है। चलिए चलिए डॉक्टर, शुरू करो। ओके, ओह माय गॉड, ये छोटा ड्रिल है, बड़ा ड्रिल चाहिए, एनेस्थेसिया, बड़ा ड्रिल चाहिए प्लीज। गलत है। या मैंने उसको यही बताया, गलत ड्रिल है, बड़ा ड्रिल लाओ। एक मिनट, ऐसे कैसे गलत है, अग्रीमेंट में साफ साफ लिखा है, दिखाओ जल्दी। साफ साफ लिखा है कि मैं आज से अपना दिल प्राची को देता हूँ, मेरा दिल प्राची की अमानत है और आज से जिंदगी भर मेरे दिल पर सिर्फ और सिर्फ प्राची का अधिकार है। तो अग्रीमेंट के हिसाब से आप ये दिल जो कि प्राची की अमानत है उसे लौटाएंगे, तब तो वो बिल के पैसे आपको देगी ना, तो गलत क्या हुआ इसमें? अग्रीमेंट में लिखा है तो बिल्कुल सही लिखा है, 100% जस्टिस, एक हाथ दे एक हाथ ले।
नुकर टुकर क्या देख रहे हैं डॉक्टर, सब चालू कीजिए, दिल निकालिए। नहीं नहीं छोड़ो, मुझे नहीं देना दिल। अरे मना क्यों कर रहे हैं आप? मना नहीं कर रहे, मतलब साइन किया है तो दिल तो निकलवाना पड़ेगा ना उनको। हाँ हाँ बिल्कुल सही, अगर बिल चाहिए तो पहले दिल दो। हाँ बिल से पहले दिल दो। हाँ बिल के पहले दिल दो। 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 अगर ये दांव फेल हो गया तो प्राची को बचाना हमारे लिए नामुमकिन हो जाएगा।